घाटी देव सिंह घाटी देव सिंह घाटी छत्तीस कौमों के सांसद के रूप में हमारे बीच में माननीय देव सिंह जी भाटी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार पधार चुके हैं। पर बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़े बने पंक्तियों के साथ पूरे आदर और विश्वास के साथ हम माननीय भाटी साहब से निवेदन करना चाहूंगा इस सर लेवल को उठाओ इस हवा की स्थिति को आप बदलाओ सम्मानीय भाटी साहब मुद्दों हुए नोखा क्षेत्र हो कठिन भी कोई अन्याय हुए आप यो इकट्ठा हो जाओ तो कोई भी मां सवा शेर सूट नहीं खाइए जी को धारे सामने आने सिर्फ आपने एक मतलब इकट्ठा हो काम तो आपको छोड़ना पड़ती लेकिन आपने न्याय मिलेला दिशा मिलेला लोग आपने खाली देख दिया क्योंकि आप अगुआ हो समाज का और कठिन भी अन्याय हुए कह देखे आगे हमारा मुखिया है माने संभाले तो ये वास्तव में आपने आगा भी करूं और स्वागत भी करूं कि आज सिर्फ एक थोड़े से बुलावे पर आप सारे पूरे इलाके मुखिया लोग बता रहे हो दोबारा मैं आपने नमन करूं। आज मुद्दों है लोकसभा का चुनाव है आप 70 साल में कई एमएलए एमपी का चुनाव देखे है वोट दिया है बढ़िया है अभी सही है कि कोई काम करे एमपी कभी कोई न्याय वाली बात नहीं करे लेकिन वो कहीं नहीं करे नाजुकों भी हुए लाचार भी हुए ढिलोए सब कुछ बर्दाश्त करना लेकिन जिनको समाज ने तोड़े समाज के बीच में जहर फैला हुआ है जिनका सदियां सू में सब 36 कौमरा लोग भी इलाके में बरसों बसाया प्रेम आपस में भाईचारा हूं सामंजस्य हूं और वीर ने खत्म करने वास्ते और जहर को बीज बोयो है अर्जुन राम मेघवाल और मेरे वास्ते आप लोगों ने विचार करना चाहिए कि अगर इस प्रकार का आदमी आप लोगों ने बीच में रहेला 10 साल तक मैं भूल कर दी इन्हें एमपी बढ़ा दियो और इस देखियो के भाई घर लो मेघवाल बीकानेर जिले रहे पढ़े लिखे है तो शायद कहीं अच्छो करेला लेकिन आप लोगों ने याद कराओ काफी लोगों ने नजदीक से जानकारी है कोई बीकानेर में तो तांडव भी देखे हुए ना कि 2 अप्रैल 2018 में एक एससी एसटी वाले ने मांगी देश में आजादी रख इस माहौल में मैं संग्रह आप नहीं उठा सके आप धरना दो भूख हड़ताल करो आमरण अनशन करो प्रदर्शन करो कोई ना इतराज बोले लेकिन कोई दूसरे ने नुकसान नहीं पहुंचाओ जब तक समाज में बर्दाश्त हो लेकिन 2 अप्रैल 2018 में आप लोग सुने वेला देखे वेला टीवी में आयो एकदम लाइव 50 रुपये में पूरा सीन बताया कि एक ही तरह का लठ ले पुराने बाजार बीकानेर सु ले कोर्ट गेट ले पूरे कचहरी कलेक्ट्रेट ने पाए वकील ने कमरे में अदालत में इतनी ज्यादा दहशत फैलाई जो मिलो बिना ठोकियो दुकाना में तोड़ फोड़ करी अब बीकानेर इतिहास में आज तक नहीं हुई कोई समाज इसको काम नहीं करे जिसको दूसरे नुकसान हो लेकिन ओ सारो ही जिसको जहर को बीज लगायो वो अर्जुन राम मेघवाल यानी टीवी अखबार वालों पूछो कि भाई अर्जुन राम जी आप एमपी हो समाज के अगुआ हो आपके समाज के लोग इस प्रकार का तांडव कर रहे हैं लोगों की दुकानों में नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं आप अपील कीजिए इनको रोकिए आपका प्रभाव है और हमारे एमपी महोदय ने कहा कि इस आजाद देश में सबको विचारों की अभिव्यक्ति की छूट है आग में घी डालने का काम किया ऐसा अगर माहौल एक शुरुआत जो उस दिन हुई उसके बाद में हम गांव में देखते हैं कि मेघवाल समाज अलग हो गया बाकी 36 कौम अलग हो गई अब तो ये हालात हो गए हमें समाचार मिलते हैं मुकदमे भी होते हैं कि रास्ते चलते किसी के गले पड़ना शराब पिए हुए लड़के जबरदस्ती गले पड़ते हैं वो किनारा करता है लेकिन धक्के से उससे झगड़ा करने की कोशिश करना फिर झूठा मुकदमा बनाना और वो कानून में बदलाव उन्होंने 2 अप्रैल 2018 के बाद करा लिया कि अब आपकी सीधी जमानत नहीं होगी जेल जाना ही पड़ेगा
ये जो रास्ता बनाने जा रहे हैं, इसमें मैं नवयुवकों को भी कह दूं, अब अगली मांग जो इनकी आ रही है कि सरकारी नौकरियों में तो इनका आरक्षण है ही, अब एससी एसटी को निजीकरण जो कंपनियां हैं चाहे फैक्ट्री मिल है उन सब में आरक्षण हो। ये जो रास्ता बन रहा है, हम चुपचाप टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये हावी होते जा रहे हैं। आपने सबने 36 गांव में वोट दिए, जब जाके एमपी बने, एमपी की एक व्यवस्था है सरकारी खजाने से जनता के पैसे से एमपी कोटा मिलता है। मेरे पास ये रिकॉर्ड है शुरू से लेके आखिर तक का कि इन्होंने एमपी कोटा सिर्फ 80% मेघवालों के नाम किया और बाकी के लिए नहीं। इतना जातिवाद कभी भी नहीं देखा हमने। और मेघवालों में भी भेद, मेघवालों में दो खाप होती है, बसीरा और जाटा। इसमें जाटा मेघवाल का कहीं भी कोई शमशान भूमि या कोई भवन वगैरह के लिए पैसा नहीं है। इतना ज्यादा जातिवाद कि आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि बीकानेर के अंदर अलग अलग जगह सार्वजनिक तौर पर सामूहिक विवाह का आयोजन होता है मेघवाल समाज का, और उसमें भी सिर्फ बसीरा मेघवाल के ही जोड़े होते हैं जाटा मेघवाल के लिए। इतना ज्यादा जो सोच गड़बड़ है, ये सारा हमें खुद को देखना चाहिए। चुप रहोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप लोगों को कहां किसी बात का डर है? आपको मैं कहता हूं, इस प्रजातंत्र में जो वोट का अधिकार दिया है उसमें आप दाता हो, नेता मंगते होते हैं। हम उल्टे हो गए, हम मंगते हो गए, तो उसको दाता मान लिया। आप जिसको चाहो कुर्सी दिला दो, जिसको चाहो नीचे गिरा दो, ये ताकत आप में, उसको महसूस करो। आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? आपका सोच दिनों दिन छोटा क्यों होता जा रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। याद करो, आपके पूर्वज जिन्होंने लगातार हिंदुस्तान में उत्तरी भारत की तरफ से आक्रमण होते थे मुसलमानों के, एक बार नहीं 500 बार अलग अलग मुसलमान आए और लूटा, लेकिन सबसे आगे खड़े रहे आपके पूर्वज और इस हिंदुस्तान को मुसलमान नहीं होने दिया। नहीं तो अभी आबदारी रखे हुए नमाज का टाइम हो गया होता आपका। आप सोचो किसकी औलाद हो? आपने भारत को अगर कायम रखा है, जिंदा रखा है, तो आपके पूर्वजों ने, वो खून आप में है, उस खून को ठंडा मत होने दो। सही बात के लिए अड़ जाओ। देखो वो पूर्वज जो जुझार हुए, शहीद हुए, जिन्होंने साकेत किए, जिन्होंने ये बीकानेर की बसावट के बाद से पहली बार हुआ कि एक ही समाज के लोग लाठियां लेकर पूरे बाजार में तांडव करें, कचहरी परिसर में, कोर्ट और बार रूम में। तो ये जो रूप स्वरूप देखा है, आपने देखा होगा कि पूरा जो पुलिस प्रशासन था वो इनके आगे भाग लिया। अब अगर पुलिस प्रशासन, जिसको लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है, वो अगर भाग जाए तो आम जनता का जो इसके बसने वाले हैं उनका किसके भरोसे रहेंगे वो? इसलिए लोगों में गुस्सा है, वो एक बार नहीं है, लोगों की भावना देखी है, तभी मैं इस बात को लेकर आगे निकला हूँ कि लोगों में गुस्सा है, उस गुस्से को प्रकट करने के लिए मैं माध्यम बनाऊँ। क्या लगातार लोकसभा तक आपकी यात्रा? हाँ बिल्कुल, मैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, वरना मैं हर चुनाव में बाहर भी जाता हूँ, लेकिन इस दफे लक्ष्य है अर्जुन राम मेघवाल को हराना। हमारे बीच में